क्षार के साथ क्रिया या क्षारों के साथ क्रिया, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसको हम एक क्रिया कह सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्षारों के साथ क्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए, जब अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके करके लवण एवं पानी बनाता है, अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण एवं पानी बनाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण एवं पानी बनाता है। देखिए, अब हमारा अम्ल हो गया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमारा एक हो गया अम्ल NaOH, ये हमारे हो गई क्षार सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब क्या बन रहा है, लवण एवं पानी बनेगा। तो पहले ये हमारा हो गया NaCl, एक नमक है, और H2O, ये हमारा जल या जल बन गया। देखिए, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नीचे लिख देंगे नाम तो आपको आसानी होगी जानने में कौन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे, फलस्वरूप एक लवण बनेगा, उसका नाम हो गया यहां पर सोडियम क्लोराइड, और ये आपका बन गया जल। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, कि अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण एवं पानी बनाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसको फिर सुन लीजिए एक बार, कि अम्ल क्षारों के साथ क्रिया करके लवण एवं पानी बनाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा यह सीएल एक अम्ल है और NaOH एक हमारा क्षार है। जब ये दोनों क्रिया कर रहे हैं तो हमारा एक यहाँ पर लवण बन रहा है NaCl, और हमारा जल बन रहा है। ये हमारे हो गए अम्ल के दो रासायनिक गुणधर्म। चलते हैं अगले गुणधर्म के बारे में बताने के लिए। देखिए, आपका अगला गुणधर्म है तीसरा पॉइंट, धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। देखिए, ये क्या होता है, जब अम्ल यानी कि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके